ईयरफोन दी तार नाल घोट ता मां दा गला, कुड़ी ने मां ते भरा दा कर दिता कतल। मामे दे मुंडे नाल मिल के कीती वड्डी वारदात। की एक धी अपने परिवार नू मौत दी नींद सुआ सकदी है? सुन के शायद तुसी भी सोचन नू मजबूर हो जाओगे, पर इस कुड़ी ने कुछ अजिहा ही करके दिखाया। ते इसका अपनी मां अते भरा दे नाल कुछ दिन पहला झगड़ा हो गया सी, जिस दौरान काजल ने अपनी पहला तो मां नू मौत दे घाट उतारिया, जिसकी कुखों 9 महीने पली ते लगभग 24 साल तक मां ने उसनू पाल पोस के वड्डा किया। तो इस कलयुगी धी ने अपनी मां नू इस कदर मौत दे घाट उतारिया, सुन के शायद तुसी भी दंग रह जाओगे। तो दस दे कि काजल दे वलों ईयरफोन दी लीड दे नाल अपनी मां दा गला घोट के उसनू मौत दे घाट उतारिया गया। हालांकि उस समय काजल अपनी मां दे नाल घर दे विच अकली सी, पर उसी समय उसका मामे का मुंडा भी उत्थे आ जाता है, जिस तों बाद जब इसका भरा मौके पर पहुँचता है तो काजल दे वलों उसके सिर पर सट मार के उसनू जमीन पर सुट दिता जाता है, जिस तों बाद उसके मामे का मुंडा कपड़े दे नाल उसके भरा का गला घोट दिता जाता है। जबकि भाई के कतल दे विच भी काजल का पूरा योगदान सी, वह तद तक उस दियां लत्तां नहीं छड़दी जब तक वह दम नहीं तोड़ दिंदा। तो दोनों नू इन्हां दे वलों मौत दे घाट उतारन तो बाद एक अजिही साजिश रची कि पुलिस नू भी इन्हां ने गुमराह कर दिता। दस दी कि घर दे विच पिया सारा पैसा अते जेवर यह लड़की काजल अपने मामे दे भरा नू दे दिंदी है, जिस तों बाद वह फरार हो जाता है। तो पुलिस नू काजल दसदी है कि साढ़े घरे लुटेरे आए सी, जिन्हां ने कि गहने अते पैसों की लुट करके मेरे भरा अते मां नू मार दिता। तो पहला तो पुलिस भी चकमा खा गई सी, पर जिमें जिमें पुछगिछ अगे वधदी गई तो पुलिस के सामने सारा सच सामने आ गया, जिस तों बाद पुलिस ने हुण इस लड़की नू काबू कर लिया, जबकि इसका मामे का मुंडा हले भी फरार चल रहा है। तो दस दिए कि मामला यमुनानगर तो सामने आया, जिथे इस लड़की ने अपने मामे के मुंडे नाल मिलके मां अते भरा का कतल कर दिता। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज SI निर्मल का फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पर गया, जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, चीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पर और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने मेरे भाई के साथ मिलकर अपनी पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया, क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसका सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके मेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है, वो 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गए असला वगैरह, रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे। घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कारण क्या रहा और मर्डर किस तरीके से किया? मर्डर इस लड़की का माँ और भाई के साथ झगड़ा रहता था, ये पहले भी घर से निकल गई थी, ये थोड़ा बॉय जेंडर टाइप है, लड़कों की भाषा में बोलती है, जिस कारण इनका डिस्प्यूट था काफ़ी परिवार में शादियों को लेकर उसको लेकर, और जो दूसरा लड़का था इसका मेरा भाई, उनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रही है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा अभी आगे और रिमांड पे लिया जाएगा इसको और उसको भी तलाश करके जल्दी पकड़ के और इसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
सर इसके फादर नहीं हैं। इस लड़की के फादर 2007 या 13 में एक्सपायर हो चुके थे और इनके परिवार में केवल माँ ही बड़ी थी और ऐसे ही इसके मामा और मामी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके भी 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, और इनका परिवारिक डिस्प्यूट चल रहा था।